We'll be driving down the state, yeah. Look around for the next crowd, yeah. Growing up. स्पेशल इंग्रेडिएंट से खूब तेल मसालों के साथ बहुत सारा समय देकर किसी फूड को टेस्टी बनाना एक अलग बात है। काबिले तारीफ तो तब है जब हम साधारण से खाने को साधारण मटेरियल से बनाएं, सेहत और स्वास्थ्य भरपूर। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप रोज के साधारण से खाने को बना सकते हैं वही नींबू मिर्च और अदरक टमाटर के साथ सुपर टेस्टी। हरी मिर्च और नींबू तो आप सबने खाया ही है। आज हम इसे बनाएंगे एक ट्विस्ट के साथ, जो कि किसी भी खाने के साथ इसको सर्व करने पर एक अलग ही उसका स्वाद आएगा और खाने के स्वाद को ये 10 गुना बढ़ा देगा। तो देखिए, इसको सिंपली गैस पर हमें हरी मिर्चों को सेकना है और उसे इस तरह से सेकना है कि उसका ये जो ऊपर वाला सरफेस है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाए, कुछ चितकबरा सा ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। ये देखिए, हम चाहे तो एक साथ सारी मिर्चों को भी भून सकते हैं। सभी हरी मिर्चों को हम इसी तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए, हमारी हरी मिर्चें भून गई। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये सब बना रही हूँ एक थाली के हिसाब से। आप इसे अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो उसी हिसाब से इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं। और इसमें निचोड़ देंगे एक नींबू। खूब अच्छी तरीके से इसमें नींबू डालना है जिससे कि पूरी हरी मिर्चें तर हो जाएं। और नमक डाल दीजिए ऊपर से। और अब इसे सर्व कीजिए किसी भी दाल के साथ, कढ़ी के साथ। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट इसमें आता है। एकदम भुनी हुई, पकी हुई ये मिर्चें हैं, बहुत ही टेस्टी ये लगती हैं। अब देखिए, पापड़ भी आप सबने खाए होंगे ना, तो पापड़ से भी हम बनाएंगे आज एक बहुत अच्छी सी एक डिश। तो क्या करना है आपको, पापड़ को सबसे पहले इस तरीके से क्रश कर लीजिए। बेसिकली राजस्थान की ये डिश है और राजस्थान में इसे पापड़ के चूरे के नाम से जानते हैं, तो काफ़ी फैमिलियर होंगे राजस्थान वाले इस डिश से। बहुत ही इजी डिश है ये भी। ये देखिए, ये बन गया हमारा पापड़ का चूरा। अब हम इसमें मिला देंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी और ये डिश तैयार हो गई। कभी भी कोई सब्ज़ी अगर आपके पसंद की नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ दो सब्ज़ियाँ बनती हैं, अगर एक सब्ज़ी किसी को पसंद नहीं आती तो वो दूसरी सब्ज़ी के रूप में इसे अपने लिए बनवा लेता है। और ये तुरंत बनानी है और तुरंत ही खानी है। अभी सर्दियों का टाइम है तो आप इसे इस तरीके से सेक भी सकते हैं। तवे पर सिंपली इसको सेक लीजिए तो इसमें जो घी हमने डाला है वो जमेगा नहीं। और गर्मियों में हमें इसको सेकने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पापड़ के चूरे में थोड़ा सा घी मिला करके इसको सर्व करेंगे। अब देखिए, पापड़ के चूरे को अगर आप स्नैक्स की तरह खाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से पापड़ का बना लीजिए चूरा और उसमें थोड़ा सा मिर्च, गरम मसाला और चाट मसाला डाल दीजिए और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल दीजिए थोड़े से टमाटर, प्याज अगर आप खाते हैं, धनिया और हरी मिर्च। और अब थोड़ा सा नमक और डाल दीजिए क्योंकि हमने ये जो मटेरियल डाला है उसकी वजह से। और निचोड़ दीजिए इसमें भी एक नींबू। और ये बहुत ही बढ़िया एक छोटी छोटी भूख के लिए जो स्नैक्स चाहिए होते हैं वो रेडी हो गया। पूरे पापड़ की कोटिंग हो गई है हमारे टमाटर और धनिए के साथ और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। हम जैनियों को ये कॉम्प्लीमेंट अक्सर मिला करता है कि आपके यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं पड़ता तब भी खाना इतना टेस्टी कैसे बनता है। तो यही दो चार चीज़ें हैं जिनसे हम लोगों के घर खाना बनता है सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी। Wanna take on the world and do something? Would you by my side like it's nothing?
तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं एक इंस्टेंट अचार, जिसको हम बनाएंगे अदरक, नींबू और मिर्च से। सबसे पहले अदरक को छील लीजिए और उसे ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। मैं मोटे वाले ग्रेटर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी तरीके से इसको ग्रेट कर सकते हैं या छोटे छोटे पीसेस में कट भी कर सकते हैं। बहुत हेल्दी होता है ये अदरक, आपको ज़रूर डाइट में अपनी शामिल करना चाहिए। अगर इसको आप यूज़ करते हैं अपनी डाइट में तो आपको जाड़ों भर किसी भी सर्दी जुकाम की शिकायत नहीं होगी। अच्छा, अब इसमें हरी मिर्चों को कर दीजिए कट, चाहे लंबी या गोल, जैसी आप चाहें उस तरह से मिर्चों को इसमें डाल दीजिए। और नींबू डाल दीजिए अच्छी तरह से, लगभग आधा नींबू मैंने इसमें डाल दिया है। और नमक, नमक भी इसमें थोड़ा अच्छा ही पड़ेगा। तो ये देखिए, लंच और डिनर के साथ ये रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत ही बढ़िया अदरक, जिन्हें प्रिय होगा उन्हें ये डिश बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, और जो अदरक नहीं खाते उनके लिए तो यही कहा जाएगा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं कई दिनों तक, तो आप इसमें नींबू की कुछ फांके डाल दीजिए छोटी छोटी करके, और डाल दीजिए नमक, लगभग आधा चम्मच नमक और डाल दिया है, और इसको कर दीजिए मिक्स। अब आप इसे किसी भी ग्लास की बॉटल या ग्लास के जार में भर कर के रख दीजिए। 2 या 3 दिन में ये अच्छी तरीके से गल जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो अचार है हमारा वो तैयार हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद। तो ये देखिए, ये है हमारी रोज़ वाली थाली, और अब हम इसे बनाएंगे सुपर स्पेशल अपनी बनाई हुई चीज़ों से। तो देखिए, हमारी थाली भी तैयार हो गई और मेरी वीडियो भी कंप्लीट हो गई। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, ज़रूर शेयर करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर। I just wanna get to know ya.